हेलो एवरीवन, किटी किचन लाइफ में आप सभी का स्वागत है. आई एम फ्रॉम इंडिया एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट माय क्यूटेस्ट डार्लिंग पर्शियन किटन एलेक्सा. इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो मैं अपने पर्शियन कैट के लिए, अपनी पर्शियन किटन के लिए अभी यूज़ कर रही हूँ. और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यूट्यूब में भी बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल होती है कैट्स के लिए. फॉर डॉग्स यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल, बट फॉर कैट्स यू डू नॉट हैव एनी वीडियोज, एनी रेलिवेंट वीडियोज अवेलेबल. तो मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप जो जितने भी किचन ओनर्स हैं, जितने भी पर्शियन कैट ओनर्स हैं, कैट ओनर्स हैं, उन सबको हेल्प हो सके प्रोडक्ट्स को जानने में जो मैं अपने किटन के लिए यूज कर सकती हूँ और कर रही हूँ, और आप भी यूज कर सकते हैं और वो वंडरफुली वर्क कर रहे हैं मेरी किटन के लिए. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं लेके आऊंगी, ये जो रेंज है मैंने ये पेटवेदा की तरफ से ली है. पेटवेदा amazon.in में अवेलेबल है इसके प्रोडक्ट्स, और ये 100% वेगन प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं. तो इनको कोई हार्म नहीं है कि आप अपने पेट पे यूज कर सकते हो. आप इनको बहुत ही डेफिनेटली श्योर होकर अपने पेट्स पर यूज कर सकते हैं. और जो मैं प्रोडक्ट आपको शो कर रही हूँ ये किटन्स के लिए प्लस डॉग्स दोनों के लिए ही इजीली यूज किए जा सकते हैं. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं लेकर आपके सामने आ रही हूँ वो है दिस वन. ये प्रोडक्ट जो है ये आपके, चाहे डॉग आप रखते हैं चाहे किटन्स आप रखते हैं, किटन्स के आईज से हमेशा पानी बहता रहता है. आप अगर ये ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट उनकी वाटरी आईज रहती हैं, और जिसकी वजह से उनकी आईज के आसपास स्टेन आ जाता है. तो वो स्टेन को रिमूव करने के लिए ये स्टेन रिमूवर है जो पेटवेदा की तरह से है. आप इसको स्प्रे को आप किसी सॉफ्ट से कॉटन पे या फिर किसी सॉफ्ट से टॉवल पे, सॉफ्ट टॉवल पे आप लेकर अपने किटन के एरियाज के आसपास, आंखों के आसपास का एरिया आप इससे क्लीन कर सकते हैं. इनफैक्ट डॉग्स के भी जो टियरी आईज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके कलर में डिफरेंस आ जाता है फेस पे और उनके निशान बन जाते हैं, तो वहां पर भी आप ये यूज कर सकते हो. जो स्टेन है वो रिमूव करने में आपको 100% हेल्प करता है. और ये जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 100% ऑर्गेनिक है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप इसको यूज करने की वजह से आपके पेट को कोई नुकसान हो रहा है. इसमें कोकुम बटर है और विटामिन B3 है, और ये कहते हैं कि इसमें नो कलर, ब्लीच और हार्श केमिकल है, और ये डॉग्स एंड कैट्स दोनों के ऊपर ही यूज किया जा सकता है. और इसको यूज करने का तरीका जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सिमिलरली इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आप किसी क्लीन कॉटन बॉल पे आप इसको लीजिए और जेंटली यू वाइप अराउंड योर पेट्स आई एरिया. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है पेटवेदा की तरफ से वो है पॉ बटर. इसमें भी जो है कोकुम बटर है, सनफ्लावर वैक्स है, विटामिन ई है और शिया बटर है. ये जो पेट्स हमारे होते हैं उनके जो पॉज होते हैं वो बहुत ही ड्राई, क्रैकी हो जाते हैं, उनको सॉफ्ट और सूद करने में हेल्प करता है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग इसको उनकी ड्राई नोज पर भी यूज करना पसंद कर सकते हैं. बट मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अगर इनको पेट के पॉज पर यूज करते हैं तो आप पहले इसको हैंड पे थोड़ा सा ले लीजिए और उसके बाद ही उनके पॉज पर यूज करिए. आप डायरेक्टली इसमें फिंगर डालकर और फिंगर रब करके पॉज पे बार बार यूज मत करिए, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो इसमें आने के चांसेस रहते हैं. आप अपने हाथ में इसको ले लीजिए अपने हैंड सैनिटाइज करने के बाद, और उसके बाद चारों पॉज में आप उनके लगा दीजिए इफ यू आर यूजिंग इट ऑन नोज ऑल्सो. तो वही जो पॉज वाले आप यूज कर रहे हैं वो आप नोज में मत यूज करिए, क्योंकि वो पेट के लिए उसमें जितने जर्म्स हैं जो आप कोशिश कर रहे हैं वो कम हो, वो इंक्रीज होते हैं इससे. इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो है डीटैंगलिंग स्प्रे. अगर आपके पास में किटन है या लॉन्ग हेयर्स वाला कोई भी डॉग अवेलेबल है तो आप ये डीटैंगलिंग और डिओड्राइजिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं उसके हेयर्स पे. ये जो डिओड्राइजिंग हेयर है ये आपके, सॉरी स्प्रे है, डिओड्राइजिंग स्प्रे, ये आपके पेट में से जो स्मेल है, जैसे विंटर्स का टाइम है और आप अपने पेट्स को नहला नहीं पा रहे हो तो आप ये पेटवेदा का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो. जो बॉडी से आने वाली स्मेल है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है. और इसमें मैं आपको बताऊँ, स्पाइसी बर्गमॉट और सिट्रस बिटर ऑरेंज इसमें है, और अगर आप इसको स्प्रे करते हो तो एक ऑरेंज जेस्ट की आपको खुशबू महसूस होती है अपने आसपास. और इनफैक्ट इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि आप अगर इसको हाथ में लेकर, जैसे कई सारे पेट्स होते हैं उनको डायरेक्टली अपनी बॉडी पर कुछ भी स्प्रे करना पसंद नहीं होता है, तो आप इसको अपने हैंड पर लेकर भी उनकी बॉडी पर रब कर सकते हैं. आपको स्किन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उनके हेयर्स पर ही स्प्रे करना है. और अगर आपके लॉन्ग हेयरी डॉग्स हैं, जैसे आपके पास गोल्डन रिट्रीवर है, आपके पास शिट्जू है, आपके पास लहासा एप्सो है, तो आप उन डॉग्स के डिटैंगल के लिए भी इसको यूज कर सकते हो. उनके टैंगल्स पर आप इनको स्प्रे करने के बाद उनको सुलझा सकते हैं, तो ये आपको एकदम सुलझे और सॉफ्ट हेयर्स देने में भी हेल्प करेगा. इसके बाद जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, जो मुझे एज अ सैंपल मिला है, वो मैं थोड़ा यूज कर चुकी हूँ,
वो ये शैम्पू है जो पेटवेदा की तरफ से मुझे एज अ डेली यूज शैम्पू मुझे एज अ सैम्पल गिफ्ट मिला था। तो इसमें भी ये पैराबिन फ्री है और इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें सोया प्रोटीन है और ये SLES फ्री है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। 30 ml का बॉटल उन्होंने मुझे एज अ सैम्पल दिया हुआ था जो मैं थोड़ा यूज़ कर चुकी हूँ और ये बहुत बेहतरीन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा है अपने किटन के लिए वो है बीफर का मकेडामिया ऑयल किटन शैम्पू। ये कैट शैम्पू आपके कैट के हेयर्स को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और ये स्पेशली जो है ये किटन्स के लिए और कैट्स के लिए ही बनाया गया है। तो एज़ पर बीफर कैट शैम्पू, इट इज़ अ माइल्ड इफेक्टिव शैम्पू फॉर बोथ शॉर्ट हेयर एंड लॉन्ग हेयर कैट्स। आप जितने भी आपके पास एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर्स हैं, पर्शियंस हैं या आपके पास इंडियन कैट्स अवेलेबल हैं, आप उन सभी पर इसको यूज़ कर सकते हैं। द एडिशन ऑफ मैकेडामिया ऑयल हेल्प्स ब्रिटल कोर्स और डैमेज कोट रीगेन इट्स ग्लॉसी अपीयरेंसेज एंड द शैम्पू इज़ अ pH न्यूट्रल विच मेक इट द आइडियल कोट केयर प्रोडक्ट फॉर योर कैट। तो आप इसको ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और उसमें जेंटली मसाज करिए इस शैम्पू को अपने कैट के बालों पे और उसका झाग बनने दीजिए। तब जब तक झाग नहीं बन जाता है तब तक मसाज कीजिए, 2-3 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको रिंस कर दीजिए थॉरोली और उसके बाद अपने पेट को ड्राई आप कर सकते हैं ड्रायर्स के थ्रू और उसके कोट को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं ये प्रोडक्ट्स, ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ यही है कि बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं और जो प्रोडक्ट मेरी किटन को हेल्प कर रहे हैं वो आपकी भी किटन को हेल्प करें, ऑब्वियसली मैं ये चाहती हूँ। तो मैं होप करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे और एलेक्सा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एस्टेब्लिश करने में उसको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली day ahead. Thank you so much.